हाय एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही सिंपल मगर टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते को हमने गेहूं के आटे से बनाया है। बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी है, छोटी मोटी भूख में क्विक और इजी रेसिपी है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है और खाने में लाजवाब होती है। एक बार अगर आपने इसे बना लिया तो बार बार इसे बनाएंगे, ये इतनी मजेदार लगती है खाने में। आप इसे शाम की चाय के संग बनाइए या बच्चों को लंच में दीजिए, सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए इस क्विक और इजी रेसिपी को बनाना देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा। इस आटे को हम एक बड़े साइज के बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 भर भर के चम्मच सूजी। अगर सूजी नहीं है तो चावल का आटा डाल लीजिए, इससे हमारे ये जो नाश्ते बनेंगे क्रिस्पी होंगे। 1 चम्मच हम डाल रहे हैं यहाँ पे सफ़ेद तिल, 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा है, 1/4 चम्मच अजवाइन, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ ही में डालेंगे 2 हरी मिर्ची जिसको बारीक काट लिया है और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स में ये लाजवाब सी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। अब इनको हम ड्राई पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, सभी मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हमें घोल बना के तैयार करना है। तो ऐसे देखिए, हम पानी डालते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, इससे लम्स नहीं पड़ेंगे। और पानी हमने 1 कटोरी से थोड़ा कम लिया है जिससे आटा ना बाधा। अब इसको हमें बढ़िया से फेंट लेना है। तो यहाँ देखिए, आटा हमारा अच्छे से फेंट गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच मीठा सोडा यानी खाने का सोडा और 1 चम्मच नींबू का रस। सोडे के ऊपर नींबू का रस डालने से ये रिएक्ट करेगा और ये जो हमारा बैटर है ये बढ़िया से फ्लफी बनेगा। अब इसको एक बार हम अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटेंगे तो ये बढ़िया झागदार फ्लफी हो जाएगा, तो फेंटना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लीजिए, हमने इसे फेंट लिया है और ये बैटर देखिए हमारा बन के तैयार है। इसे हम ढक कर के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये फूल जाए। इसमें हमने सूजी भी डाला है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है और पहले से थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो फिर लीजिए, हमारा ये लिक्विड डो बन के तैयार है। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम फ्लेम पर हीट करेंगे और हाथों में हल्का सा पानी लगा के थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे और ऑयल में डालेंगे। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी दूर पे इसको हम डालते जाएंगे और छोटे छोटे से पकौड़े बनाएंगे। तो इसको जैसे ही हम ऑयल में डाल रहे हैं, देखिए ये तैरते हुए ऊपर चला आ रहा है। ऑयल में जाते ही ये तैरते तुरंत ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत हल्के बने हैं और जालीदार बने हैं, बिल्कुल फ्लफी बैटर है। तो इस तरह का हमें बैटर बना के तैयार करना है। ऊपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ये नाश्ता बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। अब जबकि सारा नाश्ता तैरते हुए ऊपर आ गया है तो इनको हम पलट लेंगे और दोनों साइड से उलटते पलटते हुए से हमें फ्राई कर लेना है। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम टू लो रखेंगे और जैसे इसमें हल्का सा कलर आने लगेगा फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे, यानी मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा इनमें कलर आ गया है। अब थोड़ी सी गैस की आंच को बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी से इनमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये लीजिए, नाश्ते में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब चलिए इनको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल को अब छन जाने देंगे, फिर इन्हें प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए हमारा नाश्ता कितना अच्छा बना है। इसी तरीके से बाकी बचे हुए बैटर का भी हम नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है और जब इनमें कलर आएगा तो फ्लेम की आँच को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसके बाद लो फ्लेम करके इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है। और ये देखिए, जैसे प्लेट में डाल रहे हैं आवाज़ आ रही है ना, क्रिस्पी बने हैं। ऊपर से क्रिस्पी रहते हैं लेकिन गरम गरम में ही ये क्रिस्पी रहते हैं, ठंडे होने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं और अंदर से देखिए जालियाँ पड़ी हैं, पूरी तरीके से अंदर से जालियाँ पड़ी हैं। एकदम सॉफ्ट नाश्ता है, अच्छे से पक गया है। इस नाश्ते को आप इमली की खट्टी मीठी चटनी या फिर हरे धनिया की तीखी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। गर्मा गर्म ही खाइएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है।
वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।